जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम राजवीर कौर है, मेरे पिताजी का नाम सुखपाल सिंह है, मैं सतवीं जमात विच पढ़ती हाँ। अज मेरी बोलन का विषय है श्री गुरु तेग बहादुर जी हिंद की सादर। दुनिया के इतिहास विचों नौवीं पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी की कुरबानी विलखण है। श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं हिंद की चादर के किताब नाल जानिया जाता है। सिख धर्म विच दूजे धर्म की राखी लई श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दे के मनुखता प्रति अपना नैतिक फर्ज निभाया। श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश गुरु हरगोबिंद साहब जी और माता नानकी जी के घर 1621 ईस्वी को अमृतसर में होया। आप जी छेवें गुरु हरगोबिंद साहब जी के पांचवें और सब तो छोटे सपुत्र सन। आप जी ने 9 साल के करीब का समा अमृतसर विखे गुजारिया। औरंगजेब ने कश्मीर के ब्राह्मणों को मुसलमान बनाना चाहिया ता कश्मीरी ब्राह्मण इस औखी स्थिति अपने आप को बचाने लई श्री गुरु तेग बहादुर जी पास बेनती की। औरंगजेब ने गुरु जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिता, पर गुरु जी अपने चल के दिल्ली गए। उत्थे गुरु जी नू ते उना दे नाल कुछ सिखा नू भी गिरफ्तार किया गया। गुरु साहिब नू डराउण लई पहला गिरफ्तार किते सिंह भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी ते भाई दयाला जी नू तशीहे दे के शहीद किया गया। गुरु साहिब जी दे अगे 3 शर्तां रखिया गई सन। पहला कोई करामात दिखाओ, दूजी इस्लाम धर्म कबूल करो ते तीजी दोवां विचों एक भी ना मनन करके मौत लई तैयार हो जाओ। पर गुरु साहिब ने धर्म लई शहादत देनी ठीक समझी। अज तक किसी भी धर्म के पैगंबर ने दुनिया के इतिहास में यह मिसल दिखाई नहीं दिंदी कि किसी दूसरे वास्ते किसी ने अपने आप वारिया हो भी। गुरु तेग बहादुर जी ने 1674 नूं दिल्ली के चांदनी चौंक में शहीद कर दिता गया। भाई लखी शाह वंजारे ने गुरु साहिब जी दी धड़ दा संस्कार अपने घर किया, जिथे अज गुद अरा रकाबगंज साहिब स्थित है। भाई जेता जी सिपाहियों तो अख बचा के गुरु जी दा सीस लैके आनंदपुर साहिब पहुँच गए। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सीस सत्कार पूर्वक प्राप्त करदिया भाई जेता जी नूं रंगेटा गुरु का भेटा वर दिता। अज लोड़ है संसार अंदर श्री गुरु तेग बहादुर जी दे दिसाए मार्ग ते पाए हुए पुनिया ते चलन दी। गुरु साहिब दे दिसाए मार्ग ते चल के संसार अंदर शांति कायम की जा सकती है। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।